बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको नीति आयोग बता दिया था, उसका मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस में है निर्वाचन आयोग। ठीक है, सिलेबस में भले ही हो लेकिन ये एमपी पुलिस, ठीक है, एमपीएसआई और मध्य प्रदेश और भारत के कोई भी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं जैसे कि यूपीएससी वगैरह, उन सभी में निर्वाचन आयोग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें अपन लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आप लोग को मेरा वीडियो टाइम पर जैसे ही मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो निर्वाचन आयोग होता है वो एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे याद क्या करना है, एक चीज़ तो ये याद कर लीजिएगा कि यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, और दूसरा आपको क्या याद कर लेना है कि अनुच्छेद 324 में जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित एक अनुच्छेद है। ठीक है, अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। क्यों है अखिल भारतीय? क्योंकि ये केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए क्या है, समान के लिए समान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि केंद्र और राज्य के लिए दोनों के लिए समान है, इसलिए ये कैसी है, एक अखिल भारतीय संस्था है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचन आयोग है ये राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है, और जो ये आपका पंचायत और निगम का जो चुनाव होता है उस पर चुनाव आयोग जो होता है भारतीय चुनाव आयोग, उसका कोई संबंध नहीं होता। उसके लिए क्या किया गया, भारत में संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। मतलब जो पंचायतों में चुनाव होते हैं, जो निगम चुनाव होते हैं, है ना, जनपद पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसके लिए क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसका जो हेड कार्यालय होता है वो कहाँ होता है, राज्य के जो राजधानी होती है या कोई प्रमुख बड़े शहरों में। ठीक है, और उसका एक जिला कार्यालय भी हर जिला में होता है। अब इसकी संरचना क्या है, उसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन लोग। संरचना है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं। क्या उपबंध हैं चुनाव आयोग में, सबसे पहले आप अगर देखें तो निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उसके अलावा अन्य क्या होते हैं, आयुक्त भी होते हैं जो सहायक का कार्य करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन ये कई बार आया है परीक्षाओं में कि मुख्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ और भी अभी हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक होते हैं। अच्छा, जो निर्वाचन आयोग की सलाह पर कौन, राष्ट्रपति जो होता है प्रदेश के आयुक्त नियुक्त करता है, जो राजधानी में बैठते हैं, जो प्रदेश के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो भाई वो कब तक कार्य करेगा, ठीक है, उनकी क्या सेवाएं होंगी, ठीक है, क्या शर्तें होंगी उसमें,
ये सब कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतलब कुल मिला के आपको एक नाम याद रखना है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति चुनाव आयोग के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, ये जो डेट मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट डेट है, इनको ध्यान रखिएगा। 1950 जब संविधान लागू हुआ था 1950, और से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य ही था, ठीक है। कुल मिला के कितना था? एक सदस्य था, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त तो बस होता था। फिर क्या हुआ, उस समय जो थी जो मत जो वो था आपका चुनाव जो था जो चुनाव देने जो मत देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, और 21 वर्ष के बाद उसको इसी डेट के बाद, मतलब 15 अक्टूबर के बाद कौन सा डेट, 16 अक्टूबर 1989 से क्या कर दिया गया उसे 18 वर्ष चुनाव की क्या कर दी गई, उम्र कर दी गई, ठीक है। और तभी से क्या हुआ कि दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की क्या की गई है, नियुक्ति की गई है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, ठीक है। पहले क्या था, केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो था 1989 में, 15 अक्टूबर 1989 में। उसके बाद क्या हुआ, उस समय चुनाव की जो मत की जो देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। उसके बाद क्या किया गया, 18 वर्ष कर दी गई। कब की गई, वही 16 अक्टूबर 1989 से। और राष्ट्रपति ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता था, उसे कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की क्या कर दी गई, नियुक्ति कर दी गई। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, 1990 में इसको फिर से क्या कर दिया गया, 1990 में फिर से जो दो सहायक जो थे चुनाव आयुक्त के, उसको फिर से हटा दिया गया। मतलब उनके दो निर्वाचित जो आयुक्त थे उनकी जो पद थे उनको समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर से क्या किया गया, अक्टूबर 1993 में, ठीक है, अक्टूबर 1993, ये सभी डेट को आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 1993 में दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति फिर से की गई, मतलब जो चीज़ था उसको फिर से कर दिया गया। पहले क्या संस्था थी, एक सदस्य थी, लेकिन फिर सदस्य संख्या क्या हो गई, बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम करने लगा निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसमें तीन निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो उसके सहायक निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। चलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं, मतलब दोनों के पास समान शक्तियां होती हैं, तथा उनके वेतन भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। अच्छा, मतलब आपको ये समझना है कि जो तीनों मुख्य आयुक्त होते हैं, एक मुख्य आयुक्त, दो अन्य सहायक आयुक्त जो होते हैं, ये तीनों की जो वेतन भत्ते होते हैं सब क्या होता है, एक तरह होता है, बस वो मुख्य निर्वाचन के क्या आयुक्त के क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। अच्छा, इनका जो कार्यकाल है वो आपको याद करना है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा वो 6 वर्ष के लिए होगा, लेकिन अगर वो 65 वर्ष तक की आयु भी होनी चाहिए, है ना। मतलब उससे अगर जैसे पहले अगर मान लीजिए 3 वर्ष में ही 65 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेता है तो क्या हो जाएगा, उसको मतलब अपना सेवा से हटना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जो भी पहले हो जाए, चाहे 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए तो उसे हटना पड़ेगा, और चाहे 65 वर्ष हो जाए आयु तो उसको वहाँ से हटना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की, जो निर्वाचन आयोग है उसको क्या क्या स्वतंत्रता होती है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो अपने चुनाव आयुक्त होते हैं ये अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं। अब देखिए, फिर से अनुच्छेद 324 की बात हुई ना, तो इस 324 अनुच्छेद को आपको ध्यान रख के चलना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके क्या उपबंध हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। मतलब कुल मिला के आप ये जान लीजिए कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है सेम है, जो वही प्रक्रिया किसको है हटाने की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, क्योंकि वो भी तो उसी के पद के बराबर ही है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए।
अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर दोनों सदनों का दो तिहाई से अधिक बहुमत उसको हटाने पे चला गया है तो उसको राष्ट्रपति हटा देंगे। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत पद पर नहीं होता है, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब उसके अलाभकारी परिवर्तन उसके नियुक्ति के बाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि उसकी नियुक्ति हो गई, अब उसको कोई चीज़ पे लाभ हो रहा है तो उसको आप अलाभकारी चीज़ कर दें, मतलब उसके वेतन कम कर दें, ये चीज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या देखिए, राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्त को नियुक्त करता है किसके कहने पर, जो निर्वाचन आयोग के कहने पर। ठीक है, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को कौन हटा सकता है, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं। क्या हैं, उनको देखती है। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता जो होती है, मतलब उसको पास करने की जो वो होती है मापदंड होते हैं, विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई हैं। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग की के सदस्यों की पदावधि कितनी है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो संविधान में नहीं लिखा गया है, नहीं वो किया गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, उन शक्तियों पे क्या क्या किस प्रकार से निर्वाचन आयोग कार्य करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। तो संसद राज्य के विधानमंडल राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति व कार्यों को श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक हो गया आपका प्रशासनिक हो गया, दूसरा सलाहकारी और अर्ध न्यायिक। मतलब कुल मिलाकर जो चुनाव आयोग होता है वो तीन प्रकार से कार्य करता है। पहला हो गया प्रशासनिक तौर पे, दूसरा हो गया सलाहकारी तौर पे, तीसरा हो गया अर्ध न्यायिक तौर पे। ठीक है, मतलब सलाह भी देता है, प्रशासनिक कार्य भी करता है, और अर्ध न्यायिक मतलब न्याय कार्य भी करता है। अब फिर क्या है इसमें, थोड़ा सा इसकी शक्तियों के बारे में और विस्तार से देखते हैं। तो विस्तार में शक्ति व कार्य इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं। पहला है, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। ठीक है, क्या करना, परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। दूसरा क्या है, समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। मतलब योग्य मतदाता को जो पंजीकृत करना, मतलब उनका फॉर्म वगैरह भरवाना चुनाव के समय पे, वो इसी का काम है। ठीक है, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। तो भाई साहब, कब चुनाव होना है, किस डेट पे होना है, कब से आचार संहिता लगनी है, ये पूरा कार्य कौन करेगा, निर्वाचन आयोग के ही दिशा निर्देश पर कार्य होगा। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचित चिन्ह आवंटित करना। ठीक है, राजनीतिक दलों को क्या करना, मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। ये हो गया आपका, मतलब जो निर्वाचित सदस्य, जैसे आम आदमी पार्टी कुछ दिनों पहले आई तो उसको चिन्ह दिया गया झाड़ू, तो ये सब आवंटित करना उनका कार्य है।
राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका समाधान भी क्या न्यायालय की तरह कार्य करना। अभी आपको मैंने तीन शक्तियाँ बताई, जिसमें बताया था ना अर्धन्यायिक, तो अर्धन्यायिक यही है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव आयोग में अगर कोई चिन्ह में अगर कोई विवाद हो गया तो उसका भी निर्धारण करना चुनाव आयोग का कार्य है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना, ठीक है। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, आचार संहिता निर्मित करना भी किसका कार्य है, इन्हीं का कार्य बंधुओं। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना, ये भी इनका कार्य है। संसद सदस्यों की निर्हरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, सलाह एक इसमें मैंने आपको जो दूसरा नंबर आपको शक्ति बताई थी उसमें बताया था सलाह देना, तो सलाह देना भी इनका कार्य है, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल से परामर्श देना, ठीक है। विधान परिषद में राज्यपाल को और संसद स्तर पर किसको देना है, राष्ट्रपति को। रिगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना। देखिए अगर किसी भी प्रकार का निर्वाचन जहाँ पे हो रहा है जिस केंद्र में, वहाँ पे अगर किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हिंसा हो जाती है, गलत मतदान हो जाता है, तो वो सब जो कार्य हैं वो निर्वाचन को रद्द करेगा, कौन करेगा, वो करेगा चुनाव आयोग। निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना, ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए, चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना, मतलब क्या कैसे कार्य होना है, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो पाए किसी भी पार्टी के नेता के साथ, तो उसके लिए भी जो कार्य होता है वो कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। और इसमें भी और कुछ पॉइंट हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने की राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएं या नहीं, ये सब चीज़ जो है वो निर्वाचन आयोग ही करता है। निर्वाचन के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय दल का दर्जा देना भी किसका कार्य है, निर्वाचन आयोग का। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल का दर्जा कौन देता है, तो कई बार लोग बोल देते हैं कि भाई साहब वो लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है, निर्वाचन आयोग करता है या कोई अन्य आयोग करता है, तो आप ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग का ही काम है कि राष्ट्रीय दल है कि राज्य स्तरीय दल है वो, ठीक है। अब जैसे चलते हैं आगे अपन लोग, निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं, देखिएगा ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट हैं। निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं, जो उसके सहायक होते हैं वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं, सिविल सेवा मतलब यूपीएससी से चुने जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों व अवर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। चलिए राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। मतलब हर जिले में क्या होता है, एक जिला अधिकारी होता है कलेक्टर, उसके जस्ट नीचे जो काम करता है वो होता है निर्वाचन आयोग का एक जिला अधिकारी, जो क्या करता है, पीठासीन अधिकारी की नियुक्त करता है, ठीक है, और जिले में किस प्रकार से चुनाव कराए जाएं उसका भी निर्धारण वही करता है। अब निदेशक सिद्धांत, आयोग ने इस कुछ सिद्धांत की बात की कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सिद्धांत के बारे में अच्छा यहाँ पे है भी। दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत, अब क्या है कि क्या निर्वाचन आयोग की दृष्टि है,
क्या निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है और क्या उसका सिद्धांत है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दृष्टि देखते हैं। भारत का चुनाव आयोग श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना चाहता है। ऐसा वह भारत तथा विश्व में सक्रिय क्रियाशीलता, भागीदारी तथा चुनावी लोकतंत्र को गहराई और मजबूती प्रदान करके कर रहा है। देखिए, पहली बात तो आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत है। डेमोक्रेसी जो सबसे बड़ी है वो कौन है? भारत है। और भारत में कैसे चुनाव कराए जाते हैं वो दुनिया सब भारत से सीखती है। ये चीज़ आप जान लीजिए कि जब कभी लोकसभा या राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होते हैं तो विदेश से लोग आते हैं भारत में क्या सीखने, कि भारत की चुनाव व्यवस्था कैसे है, इतने बड़े लोकतंत्र में किस प्रकार से चुनाव कराया जाता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ क्या होती है, देखी जाती है, ठीक है। तो उसको कैसे मजबूत बनाया जाए और उसकी मतलब कि लोग उसके बारे में सीखना चाहें हमसे, ठीक है। लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य यही है, भारत का चुनाव आयोग जो है स्वतंत्रता, स्वायत्तता तथा अखंडता को बनाए रखे, ठीक है। यह स्टेक होल्डर्स की उपलब्धता, स्टेक होल्डर मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में पूरी परिभाषा, स्टेक होल्डर की उपलब्धता, समाहितता तथा नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह स्वतंत्र, देश दोष युक्त तथा पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए उच्चतम पेशेवर मापदंडों का पालन करता है ताकि सरकार एवं चुनावी लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हो, ठीक है। लोग आजकल ये नहीं बोलते कि भाई साहब मशीन खराब हो गई थी, ये खराब हो गई थी, तो ये सब चीज़ें ना हो, दोष ना लगे, इसलिए पूरी व्यवस्था, पूरा इसका जो लक्ष्य सिद्धांत रहता है चुनाव आयोग का रहता है कि अच्छे से अच्छा चुनाव हो। निदेशक सिद्धांत क्या है? निदेशक सिद्धांत है, आयोग ने इसके लिए निदेशक सिद्धांत बनाए हैं जो सही प्रशासन के लिए जरूरी हैं। क्या क्या हैं भाई साहब? पहला है संविधान में दिए स्वतंत्रता, समता, ठीक है, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखना, निर्वाचित सरकार के निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए कानून का शासन बनाए रखना। ये क्या है? ये है आपका पहला। दूसरा क्या है? महत्तम विश्वसनीयता, मतलब अच्छी विश्वसनीयता बनी रहे, स्वतंत्रता हो, शुचिता हो, पारदर्शिता हो, सच्चरित्रता हो, जवाबदेही हो, स्वायत्तता हो, पेशेवर दृष्टिकोण हो, उसके साथ की चुनाव संपन्न कराया जाए, मतलब कोई आंख उठाने ना पाए कि भाई साहब आपके यहाँ चुनाव जो हुआ वो गलत हुआ। समावेशी मतदाता केंद्रित तथा मतदाता स्नेही वातावरण, चुनाव प्रक्रिया द्वारा सभी योग्य नागरिकों की चुनाव भागीदारी करना, सुनिश्चित करना, चुनाव प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों तथा स्टेक होल्डर्स की भागीदारी करना, ठीक है। ये स्टेक होल्डर्स क्या है इसके बारे में आपको भी बताता हूँ। चुनाव प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों तथा स्टेक होल्डर की भागीदारी करना। अब स्टेक होल्डर क्या है? निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में स्टेक होल्डरों, जैसे क्या क्या स्टेक होल्डर, मतदाता हो गया, राजनीतिक दल हो गया, चुनाव अधिकारी हो गया, उम्मीदवार हो गया, सामान्य जनता हो गई, ये सब क्या हैं? स्टेक होल्डर हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेक होल्डर मतलब जिसको चुनाव देना है, जिस पार्टी को देना है, जो उम्मीदवार है, सब क्या है? स्टेक होल्डर हैं। जनता में जागरूकता का प्रसार करना और देश की चुनाव व्यवस्था में विश्वास और भरोसा बढ़ाना और तथा मजबूत करना, चुनावी सेवाओं के प्रभावकारी तथा पेशेवर निष्पादन के लिए मानव संसाधन विकसित करना, चुनावी सेवाओं के प्रभावकारी तथा पेशेवर निष्पादन के लिए क्या करना, मानव संसाधन विकास विकसित करना, ठीक है। चुनाव प्रक्रिया के आसान निर्वहन के लिए श्रेष्ठ संरचना तैयार करना, ये सब चुनाव का काम है। चुनावी प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों में के सुधार के लिए तकनीकी अपनाना, चुनावी प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों के सुधार के लिए तकनीक अपनाना, आदर्श तथा लक्ष्य की श्रेष्ठता तथा पूर्ण शांति, पूर्ण प्राप्ति के लिए नवाचारी प्रक्रियाओं में अपनाने का प्रयास करना, देश की चुनावी व्यवस्था, दो मिनट, देश की चुनावी व्यवस्था में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखना
और मजबूती प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक मूल को मजबूत करना। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको पूरा एक सारांश बताऊं कि इसका एक काम ये है सबसे बड़ा कि ये किसी भी प्रकार का नहीं ये चाहता कि कोई भी मतलब इसके ऊपर मतलब उंगली उठाए कि भाई साहब आपने जो चुनाव कराया वो इतना बेकार चुनाव कराया कि मशीन में भाजपा में वोट गए तो कांग्रेस, मतलब एक उदाहरण है, इस पार्टी को देना चाहते थे इस पार्टी में चला गया मशीन का, मतलब हर चीज़ को क्या किया गया है बहुत शानदार तरीके से रखने का प्रयास किया गया है। तो आज मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा संघ लोक सेवा आयोग पर। इसके पहले एक वीडियो मैं बता चुका हूँ नीति आयोग पर, नीति आयोग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और लगभग 15-16 निर्वाचन जो 15-16 आयोग हैं उनके बारे में लगातार 15 दिन वीडियो आएगा। तो आप MPPSC की आयोग संबंधित जितनी भी तैयारी आप लोग करना चाहते हैं आयोग संबंधित मैं पूरी करवाऊंगा। और इसके पहले मैंने आपको कई वीडियो MPPSC के अपलोड भी कर दिए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आप वहाँ पे वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे लगातार संविधान वगैरह के। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो 99 93 68 96 ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इसमें मैसेज करेंगे, अपना नेम लिखेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम MPPSC 2020।